Hey guys, welcome टू my चैनल ब्यूटी टिप्स एंड Recipes. सो so, आज का वीडियो फिर से होने वाला है एक प्रोडक्ट रिव्यू जिस पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो कि आपके पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है जिसे मैंने अच्छे से यूज़ किया है उसके बाद में आपको इसके रिजल्ट दिखाने वाली हूँ और आप देखेंगे कि डेफ़िनेटली इससे आपको बेनिफिट्स होंगे क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया है और आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर किया है आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इसने मेरे पिम्पल्स के मार्क्स को ठीक कर दिया है यहाँ पर मुझे काफ़ी पिम्पल्स हो गए थे जिसके अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्लियर है बिल्कुल भी मार्क्स नहीं रहे हैं so, सो मैं इस प्रोडक्ट से काफी ज्यादा खुश हूं so, आपके लिए ये प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूं so, प्रोडक्ट है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको रिसीव होने वाला है और ये प्रोडक्ट है सेटन बाय जीएचसी की तरफ से एंटी एक्ने जेल जो कि स्पेशली आपके पिंपल्स के लिए बनाया गया है और इसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पर वर्क करते हैं इसमें आपको काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जैसे कि नियासिनेमाइड सेलिसलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि ए एंड बी आपने ज़रूर सुना होगा कि पिम्पल्स के लिए ये दोनों इंग्रीडियंट्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं देन आपको इसमें मिल जाता है जिंक पी और साथ में एलोवेरा जेल जो कि आपको पता ही होगा कि एलोवेरा हमारे पिम्पल्स के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और हमारे पिम्पल्स को और हमारे पिम्पल्स के स्कार्स को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करता है सो so, आज इस प्रोडक्ट का फुल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इसमें आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं और कैसे इसे आपको इसे यूज करना है सो so, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो so, चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर आपको किसी भी तरह के पिंपल्स हो गए हैं पिंपल्स के मार्क्स हो गए हैं तो so ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है सो so, इस प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि ए एच ए और बी एच ए हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अगर आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्किन पर कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो आपको पिम्पल्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं प्लस अगर आपको पिम्पल्स होते हैं पिम्पल्स के स्कार्स रह जाते हैं तो उनके लिए भी ये दोनों इंग्रीडियंट्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये इंग्रीडियंट्स आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिल जाते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है देने आपको इसके अंदर जो निया मिलता है वो भी आपने सुना होगा कि काफी अच्छे से स्किन पे वर्क करता है और एलोवेरा जेल आप जानते ही हैं कि हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता ही है सो ये सब चीजें तो आपको पता है बट आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि, कि किस किस तरह से ये चीजें वर्क करती है स्किन के लिए और किस किस चीज़ से ये हमें प्रिवेंट करता है और क्यों ये इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं सो so, इस प्रोडक्ट में आपको सेलिसलिक एसिड मिलता है जिसकी वजह से आपकी स्किन पर जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाती है ये आपके ओपन पोर्स को अच्छे से फिलअप करने में हेल्प करता है नेचुरली देन इसमें जो भी आपकी स्किन पर डेड सेल्स होते हैं डेड स्किन होती है उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ब्राइटन फील करने लगती है और साथ में जो आपको फ्यूचर में ब्रेकआउट्स होने वाले हैं उनसे भी ये बचाने में हेल्प करता है ऑब्वियसली अगर ये स्किन को क्लीन करेगा तो आपको ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड जो हमारी स्किन को यू वी बी रेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है जम्प से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन पर जितने भी टेक्सचर्स हो गए हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से फिलअप करने में हेल्प करता है और साथ में ये हमारे स्किन टोन को हमारे स्किन टेक्सचर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखता है ये नहीं है कि आपने इस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ किया सो आपको उसी टाइम के लिए रिजल्ट्स मिलेंगे ये लाइफ टाइम रिजल्ट आपको देने वाला है और अगर आपको क्लॉथ पोर्स की भी प्रॉब्लम है तो उसे भी ये काफ़ी अच्छे से हील करने में हेल्प करेगा और साथ में अगर आपको एक्ने और एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम है तो उसे ये डेफिनेटली ठीक करने में हेल्प करता है इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं एच ए एंड बी एच ए यानी कि सैलिसलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड ये दोनों ही हमारे स्किन टेक्स्चर को इम्प्रूव करते हैं और हमारे स्किन पर जितने भी एक्ने पिम्पल्स के मार्क्स होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से हील करने में हेल्प करते हैं द नेक्स्ट हमें मिल जाता है नियासनामाइट जो कि हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से एक्सटर्नल डैमेज से प्रिवेंट करता है ये हमारी स्किन में कुछ ऐसे सेल्स डेवलप कर देता है जिसकी वजह से हमारी स्किन पर जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उनकी वजह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से जो भी हमारी स्किन पर डैमेज होगा या सन रेज की वजह से जो भी डैमेज होगा वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा सो so ये उन सब चीज़ों से हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से हमारी स्किन डे बाई डे बेटर होती जाती है

दैन इसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा एलोवेरा जेल जो कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे पिंपल्स के लिए बेस्ट होता है सो so ये एलोवेरा जेल क्या करेगा ना आपकी स्किन को पिंपल कॉजिंग जर्म से प्रिवेंट करेगा जिसकी वजह से आपको पिंपल्स भी नहीं होंगे और साथ में ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है जिसकी वजह से आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड फील रहती है आपकी स्किन पर बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी और साथ में इसमें इन्फ्लमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पिम्पल से होने वाली जलन से भी बचाने में हेल्प करेगा जो भी पिंपल से इरिटेशन होती है उससे भी ये ठीक करने में हेल्प करेगा देन इसके बाद आपको इसमें मिल जाता है जिंक पीसीए जो कि आपकी स्किन के लिए और आपके पिंपल्स के लिए काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है ये आपके पिंपल्स को और पिंपल्स से होने वाले इरिटेशन को कम करता है और साथ में आपकी स्किन में सीबम प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छे से रिकवर कर पाती है जो भी आपको अभी तक स्किन में डैमेज हुए हैं वो काफ़ी अच्छे से हील होने में ये इन्ग्रीडियंट हेल्प करता है कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया इसके अलावा भी जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं वो आपको इसकी पैकेजिंग पर इजीली मिल जाएंगे जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको सभी तरह के लिंक्स मिल जाएंगे और इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा और साथ में अगर आप किसी भी तरह के डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक लिंक पे मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करके अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे साथ आपको बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा सो इन केस अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे जाकर ये प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है मैंने एक क्लिप ली हुई है जब मुझे यहाँ पर पिम्पल्स थे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी स्कार्स आपको विजिबल नहीं होंगे मैंने इसे दस से पंद्रह दिन यूज़ किया था और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं बिल्कुल पिंपल्स के डार्क वाले मार्क्स वो भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं सो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है सो आप वो वीडियो एक बार चेक करना और उसी तरह से आपको इसे अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे जिनके मार्क्स अभी रह गए हैं और काफ़ी अच्छे से ये ठीक नहीं हो पाए हैं मुझे इस क्रीम के बारे में जब पता चला तो मैंने इसे अप्लाई करना स्टार्ट किया और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे किस तरह से अप्लाई करती हूँ तो बस थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना है और इस तरह से आपको अपने पिम्पल्स के ऊपर इसे अप्लाई कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है थोड़ी देर में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा सो so, ये था मेरा आज का वीडियो आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय